रानी मुखर्जी 90 की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रानी को इंडस्ट्री में रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था। करियर के शुरुआती दिनों में रानी के साथ काफी भेदभाव हुआ। उनकी छोटी हाइट, भारी भरकम आवाज और उनके सांवले रंग को लेकर एक्ट्रेस ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में बताया कि इस भेदभाव की वजह से उनके हाथ से कई फिल्में भी चली गईं। रानी ने कहा, मेरी जैसी छोटी हाइट की, जिनकी रंगत भी गोरी नहीं, आवाज भी ऐसी है जो बड़ी अजीब हो, ऐसी क्वालिटी जो हीरोइन फ्रेंडली नहीं है, मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं सिल्वर स्क्रीन पर आ सकती हूँ और काम कर सकती हूँ। मगर आप ये सब मान्यताएं तोड़ देते हो जब भगवान आपके लिए कुछ डिसाइड कर लेता है, फिर ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। आगे कहती हैं, मैं माँ दुर्गा का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं क्या कर सकती हूँ। शायद माँ इसलिए होती हैं, उन्हें मुझ पर पहले से ही भरोसा था। एक ऐसा इंसान जो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसने इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए। रानी ने अपने करियर की शुरुआत राजा की आएगी बारात से की थी, लेकिन फेम उन्हें कुछ कुछ होता से मिला। इतना ही नहीं, रानी ने एक बार किस्सा शेयर किया था कि वो बचपन में हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो गई थी। दरअसल पैदा होने के कुछ समय बाद रानी मुखर्जी पंजाबी फैमिली के बच्चे के साथ एक्सचेंज हो गई थी। जब उनकी माँ को दूसरा बच्चा थमाया गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बच्ची को ढूंढ कर लाओ। उनकी माँ खुद हॉस्पिटल में उन्हें ढूंढने लगी, जिसके बाद उन्हें अपनी बच्ची मिल गई। बता दें कि रानी ने फिल्म चलते चलते में ऐश्वर्या को रिप्लेस कर दिया था। कहा जाता है कि ऐश्वर्या के बॉयफ्रेंड के तौर पर उस समय मशहूर सलमान खान ने खूब बखेड़ा खड़ा किया था। दरअसल ऐश्वर्या को इस बात का काफी दुख हुआ था कि उनकी दोस्त ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। ऐश्वर्या को लगा कि रानी ने उन्हें धोखा दिया है, जबकि ये डिसीजन प्रोड्यूसर और एक्टर शाहरुख खान का था। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बदलाव इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय ऐश्वर्या और सलमान के बीच अनबन चल रही थी और सलमान सेट पर आकर हंगामा करते थे। बता दें कि उस वक्त रानी और ऐश्वर्या अच्छी दोस्त हुआ करती थी। दोनों में अभिषेक की वजह से दुश्मनी आ गई थी, क्योंकि रानी अभिषेक बच्चन को काफी पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, बात शादी तक भी पहुंची, लेकिन जया बच्चन को रानी पसंद नहीं थी। वो किसी भी हालत में रानी को बहू नहीं बनाना चाहती थी। कॉफी विद करण में रानी से ऐश्वर्या संग इस कोल्ड वॉर के बारे में पूछा गया तो रानी ने कहा, क्या तुम्हें पता है इस कोल्ड वॉर की वजह क्या है? रानी ने कहा था कि मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, मुझे आज भी ऐश्वर्या से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। कहा जाता है कि जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई तब रानी को इनवाइट भी नहीं किया गया था। रानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इनवाइट किया होता तो मैं जरूर जाती, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कौन आपका वाकई में दोस्त है और कौन सिर्फ सेट पर दोस्त है। सालों बाद रानी और ऐश्वर्या को उस वक्त गले मिलते देखा गया जब साल 2017 में ऐश्वर्या के पिता का निधन हुआ। रानी उस वक्त अपनी दोस्त का सहारा बनी थी, हालांकि इसके बाद फिर दोनों को कभी साथ नहीं देखा गया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।